नमस्कार, मेरा नाम कोपल हालन है और आप देख रहे हैं जी डॉट न्यूज। आज जानेंगे रेलवे की परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के गुस्से की क्या है वजह। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में अलग अलग पदों पर निकली भर्तियों में धांधली और लापरवाही को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के छात्रों द्वारा रेल रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर बेरहमी से डंडे बरसाए। छात्रों की तरफ से भी पलटवार करते हुए देखा गया, जिसमें कई घायल भी हुए। तो वहीं 26 जनवरी को जब लोग गणतंत्र दिवस का जश्न बना रहे थे, तब सोशल मीडिया पर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने की तस्वीरें वायरल हो रही थी। लेकिन इन सब के पीछे क्या है प्रदर्शन करने की वजह? रेलवे ने साल 2019 NTPC के माध्यम से 35,308 पदों के लिए और ग्रुप डी के लिए लगभग 1,03,000 पोस्ट के लिए आवेदन की मांग की। फरवरी मार्च में छात्रों ने फॉर्म भरे, लेकिन कोरोना के कारण परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद 28 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक 7 चरणों में इसका एग्जाम कराया गया, जिसके 5-6 महीने बाद 15 जनवरी को इसका रिजल्ट आया था। RRB ने अपने एक नोटिफिकेशन में यह बात लिखी थी कि रेलवे बोर्ड CBT 1 NTPC में वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट देगा, लेकिन इन्होंने एक छात्र को 5 जगह गिना। इससे गिनती में ये 20 गुना तो थे, लेकिन वास्तविकता में 7 लाख की जगह सिर्फ लगभग 3,80,000 छात्रों ने ही इससे क्वालिफाई किया। इसका मतलब ये है कि NTPC द्वारा करवाए जाने वाले 5 लेवल के एग्जाम में किसी का 5 लेवल में रिजल्ट है तो किसी का 4 में और किसी का अच्छे नंबर आने के बाद 1 में भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का कहना था कि RRB ने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट से एक एग्जाम लिखवाया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कट ऑफ अलग अलग निकाल दिया, जबकि पहले नोटिफिकेशन में यह लिखा था कि सबका रिजल्ट एक होगा। इसके बाद रेलवे ने NTPC की लेवल 1 की परीक्षाओं को सस्पेंड कर दिया। इस पूरे प्रदर्शन पर और रेलवे पर धांधली के आरोप पर रेलवे मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी छात्रों को चेतावनी दी। रेल मंत्रालय ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है, यह संज्ञान में आया है कि रेलवे की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालक में बाधा, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हुए हैं। इस तरह की गतिविधियां उच्चतम स्तर की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करती है, जो ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे की सरकारी नौकरियों के लिए अनुपयुक्त बनाती है। रेल मंत्रालय ने उस नोटिस में यह भी आगे लिखा है कि ऐसी गतिविधियों के वीडियो की विशेष एजेंसी की मदद से जांच कराई जाएगी और गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवार पर पुलिस कार्रवाई के साथ साथ उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। हालांकि छात्रों की तत्कालीन मांग रेलवे ने मान ली है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सभी दल छात्रों के साथ दिखने की होड़ में जुट गए हैं। वहीं BJP सांसद और राज्य के पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी ने भी छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि मेरी राज्य के पुलिस प्रशासन से अपील है कि छात्रों पर दमन की कोई कार्रवाई ना की जाए, छात्र कोई अपराधी नहीं है। तो उधर शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में इस मुद्दे के बहाने BJP को घेरा। राहुल गांधी ने भी एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और वाटर कैनन से पानी की बौछार कर उन्हें तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, अपने हक का रोजगार मांगने के लिए डबल इंजन सरकार ने किया डबल अत्याचार, मेरा भारत ऐसा नहीं था। वहीं BJP सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है, स्थिति विकराल होती जा रही है, इससे मुंह मोड़ना कपास से आग ढकने जैसा है। शुक्रवार को PMO ने रेलवे अधिकारियों की तत्काल मीटिंग बुलाई, इसमें पिछले 10 साल में तमाम भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार PMO ने कई मसलों पर अपनी नाराजगी भी जताई और अधिकारियों से भविष्य में सचेत रहने को कहा। वहीं NTPC ने रेलवे को पत्र लिखकर NTPC परीक्षा का पूरा नाम लिखने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि मीडिया में NTPC परीक्षा लिखा जा रहा है, इस कारण लोगों को गलतफहमी हो रही है कि परीक्षा NTPC लिमिटेड से जुड़ी हुई है। कंपनी ने रेलवे से अनुरोध किया है कि NTPC की जगह अपनी परीक्षा का फुल फॉर्म नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का प्रयोग करें, सिर्फ NTPC का नहीं, जिससे आम लोगों की गलतफहमी दूर हो सके। धन्यवाद।